हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि माइंडट्री का जो प्रोफाइल होती है जूनियर इंजीनियर की, उसमें क्या शिफ्ट्स होती हैं। तो आंसर इज यस, मोस्टली 95% जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जूनियर इंजीनियर के, उसमें शिफ्टें तो होंगी। 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा आप लोगों को, तो शिफ्ट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ ये बात करते हैं कि क्या आपको जाना चाहिए उस शिफ्ट वाली जॉब में या नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर देता हूँ यार, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप मतलब स्टार्टिंग के अपने करियर में, करियर के स्टार्ट में शिफ्ट्स कर सकते हो, उतनी मतलब एबिलिटी रखते हो, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार शिफ्ट से उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्टार्टिंग के 10-15 दिन 20 दिन लगेगा, बट एक बार एक टाइम पे आप आके ना यूज टू हो जाओगे, फिर ऐसा नहीं लगेगा यार शिफ्ट है, नींद नहीं पूरी हो रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा थकान सी लगती है, नींद नहीं पूरी होती, कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है यार पूरी दुनिया सो रही है और हम जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है हमारी लाइफ के साथ। तो स्टार्टिंग में ऐसे थॉट्स आते हैं, बट हाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको शिफ्ट का उतना मतलब लगेगा नहीं, क्योंकि बंदा यूज टू हो जाता है, बॉडी यूज टू हो जाती है। बट अगर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको भाई बिल्कुल ठान रखी है यार शिफ्ट में काम नहीं करना, डे जॉब ही चाहिए, रात को मैं जाग नहीं सकता, हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ बीपी है या कुछ भी है, तो मैं कहूंगा यार मत ज्वाइन करो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर यार काम कैसे करोगे। ठीक है, तो हेल्थ को पहले ध्यान में रखना अपनी। अगर हाँ बिल्कुल है मतलब कंफर्म्ड हो कि नहीं करनी, शिफ्ट करनी ही नहीं है, तो मत ज्वाइन करना यार, क्योंकि आपकी हेल्थ ही खराब होगी, कोई मतलब नहीं है। 2 महीने 4 महीने करोगे फिर छोड़ दोगे, कुछ फायदा नहीं है, बॉन्ड के पैसे अलग से दोगे। ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा दूसरा कोई ऑप्शन देख लो, भले 1-2 महीना वेट कर लो, जितना भी 2-4 महीने लगते हैं उतना वेट करो, दूसरी जॉब देखो। बट अगर हम अंदर से है कि हाँ कर सकते हैं, सीखने की इच्छा है और पहली जॉब है, काफी मोटिवेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है शिफ्ट से, तो मैं कहूंगा आराम से कर लो। और अब दोबारा बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जूनियर इंजीनियर की जो प्रोफाइल है उसमें ना मोस्टली शिफ्ट मिलेंगी ही 95% केसेस में। बट हाँ मैंने ऐसे दोस्त, ऐसे बंदे देखे, इनफैक्ट बंदे कह रहे मेरे ही दोस्त थे जिनको शिफ्ट नहीं करनी थी, वो एक्चुअली जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल में थे, मेरी वाली प्रोफाइल में थे, बट उनके प्रोजेक्ट में शिफ्ट नहीं थी, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, प्रोजेक्ट शायद होगा कोई दूसरे टाइमिंग का होगा, तो वो लोग शिफ्ट में नहीं आते, उनकी दो ही लगती थी, एक मॉर्निंग लगती थी और एक अपनी जो इवनिंग वाली होती है, डे शिफ्ट जो होती है। ठीक है, तो रात को वो आराम से सोते रहे, वो उनके लक वाली बात है, हो सकता है आपका भी लक चल जाए, वो खैर वहीं जाके पता लगेगा, अभी कोई भी नहीं बता सकता आपको कि प्रोजेक्ट में शिफ्ट होगी या नहीं, बट हाँ 95% केसेस में तो होगी। ठीक है, और मैंने भी शिफ्टें करी हैं यार, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, बट हाँ एक टाइम आ गया था कि मैं मतलब बॉडी यूज टू हो गई थी और मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट हाँ फिर भी मुझे नाइट शिफ्ट तो अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यार रात को जागना पड़ता है, मगर फिर एक फायदा ये भी था कि रात को पढ़ाई भी हो जाती थी अच्छी, मतलब जब हम 1-1.5 साल हो गया था माइंड्री में, तब जब पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करी थी तो रात को अच्छी पढ़ाई हो जाती थी, टाइम वाइम अच्छा मिल जाता था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, एंड बाय बाय।